इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रश्न ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? सोच के देखिए, सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दी। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श तक नहीं कर पाया क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी थी। जीवन में ना कहना सीखें। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोकना सीखें। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखें। फिर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी आराध्य। तो स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराधी ना बने। राधे राधे। इस कमल के पुष्प को देख रहे हैं, इसकी एक विशेष बात है, जल स्तर कितना भी बढ़ जाए ये पुष्प सदैव जल सतह के ऊपर ही रहेगा। और इसका कारण है इसकी ये ना। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ये नाल भी बढ़ती और इस पुष्प को जल सतह के ऊपर रखती। किंतु जब जल स्तर घटता है ये नाल घट नहीं पाती और फिर स्वयं के साथ ही इस पुष्प का भी विनाश कर देती। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता जाता है, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती। किंतु जब संपन्नता घटने लगे उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती और फिर इसी कमल की भांति मनुष्य भी टूट जाता है। तो फिर क्या करें, क्या किया जाए इस परिस्थिति में? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दे? कदापि नहीं। किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे इसका अभ्यास करें, क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। राधे राधे। इस हीरे को देख रहे हैं आप? लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत कठोर निस्तेज। किंतु जब इसे तराशा जाता है तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, मेधा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती,
जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए, बल्कि उन क्षणों से निखरती जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध करे। राधे। प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वो निश्चल ना रहे, कुछ न कुछ कर्म करता रहे, और वो भाव है भूख। संसार में हर जीव, हर पशु पक्षी प्राणी परिश्रम करता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए, परंतु क्या अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भूख भी पेट तक ही सीमित रहती? तन की भूख मिटाते मिटाते कब ये भूख मन और माया की तृष्णा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और अधिकतर ये तृष्णा धन संग्रहित करने तक ही रह जाती। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए ये धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। बड़ी विचित्र बात, अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को कर्म करने से भी बाधित कर। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी हो तो अपना स्वयं का एक संसार बना ली, यदि असंस्कारी हो तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट कर दे। इसलिए जीवन में यदि कुछ संचय करना है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है, किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म और ये पहिए कर्मफल। ये अश्व जहां जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी, यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका, आप क्या चाहते हैं, आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें, फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। राधे राधे। बताइए श्रेष्ठ कौन, रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है, माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़, या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति का? निश्चित रूप से मूर्ति का। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है, देवताओं और दानवों का वो दल जिन्हें अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल, किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर
समाप्त कर दे। राधे राधे, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना, किंतु क्या यह वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न है। जो कर्म हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते, जैसे तैरने की कला भिन्न है। बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती हैं, अपने शरीर के रस से इसे बुनती हैं। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्ही कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी इन्हीं जालों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? बताइए, क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? दिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व, है ना? दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला, चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती है, किंतु यदि चिड़िया इसे छोड़कर चली भी जाए, उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण क्या? कारण यह है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ ना हो तो आपको भी विनाश पाना ही होगा। तो सृजन करते रहें और मगन होकर कहें राधे राधे। आपके विचार से मैं क्या कर रहा? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा, सही। किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं। क्या इस दीपक ने स्वयं अपना परिचय आपको दिया? नहीं। फिर आपने कैसे जाना कि ये दीपक है? उत्तर है प्रकाश, जो स्वयं जल कर अंधकार में संसार को राह दिखाए, वो दीपक है, जो निराशा में आशा की ज्योत दिखाए, वो दीपक है। दूसरी ओर सर्प है, जो दिखे नहीं बस फुफकार दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है। इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं, ये आपके कर्म ही निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर प्रेम करेंगे या सर्प समझकर भयभीत रहेंगे। राधे राधे। समय कितना विचित्र होता है, समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं, यश मान बुरे समय में चला जाता, तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर, धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा ही। मैं कहता हूं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। राधे राधे। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी,
अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती। और जो भूल जाते हैं, अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित कर देती है। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता, और फिर लग जाता है प्रतिकार में। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आए। राधे राधे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं, धन से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, क्या कुछ नहीं मिलता। ये सब एक सीमा तक ठीक, किंतु तनिक मन से सोच के देखिए, जब बालक रोगी होता है तो वो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता? इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उस औषधि को धन से खरीदा? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, उसे उन पर विश्वास है। विश्वास है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। ये विश्वास, ये संस्कार, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती, ये मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया। इसलिए जीवन में धन अवश्य कमाई, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए, प्रसन्नता मिलेगी। राधे राधे। मुझे बताइए, इस दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है? यदि किसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। कल कोई और कारण बन सकता है इस दीवार के पुनः बनने का, तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे? काका, संबंध की पवित्रता वैसी होनी चाहिए जैसे एक माता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल, निर्दोष, कि बात केवल रूठनी मनाने तक ही सीमित रहे। और कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दूषित ना कर पाए, ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, कोई उन्हें अलग न कर पाए। काका, सोचिए, यदि ये दीवार पुनः बननी है तो इसे तोड़ा ही क्यों जाए? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो क्यों तोड़े इस दीवार को? बताइए, है विश्वास? है अटूट विश्वास कि ये संबंध कभी ना टूटेगा? यदि है तो तोड़ दीजिए इस दीवार को, अन्यथा पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं?
अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना, सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी उसकी बुराइयां भी, संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी यह संबंध बढ़ेगा, तभी यह संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है गुणों का उदय। राधे राधे। कंकड़ इतना छोटा सा कि उंगली पर आ जाए, किंतु सोचिए यदि यही कंकड़ आंख में लग जाए तो कितनी बड़ी समस्या बन जाता है। अब सोचिए ये कंकड़ आपके मार्ग में है, आप पादुकाएं पहनकर बड़ी सरलता से आगे निकल जा सकते हैं, किंतु यदि यही कंकड़ आपके पांव और पादुकाओं के बीच फंस जाए तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, भले ही वो मार्ग पुष्पों से भरा क्यों ना हो। अर्थात आप बाहर की समस्याओं से, उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, भीतर की नहीं। भीतर की समस्याओं से लड़ना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए सर्वप्रथम आप भीतर से शक्तिशाली हो जाइए, भीतर से पूर्ण हो जाइए, फिर आप इस संसार के समस्त समस्याओं और चुनौतियों से लड़ सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं। राधे राधे। प्रेम, ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता, हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही, हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है, क्यों ना? ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही उत्तरदायित्व तो हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं, फिर हमें ये प्रेम ये बोझ लगने लगता है। किंतु इस संसार का सत्य तो यही, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिसका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा, उसके जड़ों पर दीमक ना लगे ये आपको सुनिश्चित करना होगा, उसके आसपास उगी खरपतवार वो आपको हटानी होगी, उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा, अविश्वास और संदेह इसकी खलपतवार आपको हटानी होगी, और विश्वास की ये जड़ें कभी ना दुर्बल पड़े ये आपको सुनिश्चित करना होगा, उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाए। राधे राधे। प्रेम, प्रेम क्या है सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है, जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण
स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है तो आपको बता दो, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं, जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो, ये प्रेम ईश्वर है। किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर पाओगे। राधे राधे। सम्मान, संबंध, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती, ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी, उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और ये संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। राधे राधे। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना, प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था, फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए यही जीवन है, भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं, किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। राधे राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां इतना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो चाहे पालने वाली, स्वयं
ये स्वर्ग हमें माँ के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी माँ को हमारा शत शत प्रणाम। राधे, सहनशीलता माँ का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु माँ, ये माँ धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या यह सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या यह सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती, शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती, ये होती है मां। और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। माँ का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक माँ स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता, माँ एक महानदी की भांति है जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक माँ अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना, संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती। ये मां का आंचल ही तो है जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती है। और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती है। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। मां के दो और सबसे महान गुण, साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती, और संबल ये कि वो अपने संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, तब मुख से मां की ही शपथ क्यों निकलती है? क्योंकि मां ही है जो हमें साहस देती है, मां ही है जो हमें सहारा देती है। मां जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। मां ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। कभी आपने सुना है, हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी, हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं, किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उसे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है। और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपने संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन के सबसे बड़ी ढाल कहलाती। इसी मां को हमारा शत शत नमन।
राधे राधे। करुणा, करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां। मां करुणा का सबसे बड़ा रूप है। और आज के युग में मनुष्य जो है, थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, मां को तो पीछे ही छोड़ देता, मां को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि मां वो करुणा है। तो यदि आपके जीवन से चली गई, उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्यांक, आपके जीवन से करुणा का ये भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी मां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मां को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए मां को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम दीजिए, और मेरे साथ कहें राधे राधे। आज विजयदशमी वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध, वो दिन है जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हां, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक है, ये परिवार के विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण थे, वही रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम था, तो दूसरी ओर परिवार में बढ़ती दरार। स्मरण रखिए, यदि संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, द्वेष कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहेंगे और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करें। राधे राधे। देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित है। हमें इस प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये क्षण ये कल नहीं आएगा, और कल जो क्षण आने वाला है वो आज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए। जीवन क्या है? ये जीवन हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता, फिर हम बड़े होते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन? आता होगा ये प्रश्न मन में कई बार, है ना? अब तनिक जल की यात्रा देखिए। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है, फिर नदी बनकर पुनः सागर में समावेश करता है। तो कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है,
हर भाव जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके देता जाता। जब सागर में होता है तो असंख्य जल जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तो किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी प्यासी धरा को सींचता है और जब नदी में होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जन्म देता है। तो सोचिए, क्या जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, वो बस अपना धर्म करता जाता और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता। इसलिए जीवन में कभी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, बस इस जीवन को जिए और जितना हो सके उतना सबको आनंद दे। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए, पादुका पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड़ की बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पाव कीचड़ से बचाने या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है संतोष और आनंद से जी, स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दे, बस आनंद बांटते रहे, मन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे। व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है तो वो अपने प्रेम को इतने कस के पकड़ कर रखता है कि प्रेम को ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम पा तो लेता है किंतु उसे कैसे सहेजना है ये जब उसे नहीं समझ आता तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है और यही जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या। तो एक लंबे वियोग के पश्चात दो प्रेमी एक दूसरे से पुनः मिलते हैं तो सबसे पहला भाव जो उनके मन में आता है वो ये कि कैसे एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी को स्वयं से दूर न जाने दो, कैसे अपने जीवन का एक एक क्षण अपनी प्रेमी के साथ बिता। प्रयास ये रहता है दाऊ इन दो प्रेमियों के मध्य में कोई भी ना आ पाए, और जब ये नहीं हो पाता तब जागती है ईर्ष्या। परीक्षा, एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे आपको सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए अपना बालपन, आप परीक्षा देने बैठे। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर कि कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो
नकल करते हैं, बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है, ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है, तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्व